नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं सौतन नहीं बनूंगी, राजेश खन्ना की हीरोइन। शादीशुदा शख्स के प्यार में थी दीवानी, फिर भी ताउम्र रही कुंवारी। आशा पारेख ने राजेश खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया। दोनों की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दे चुकी जुबली गर्ल आशा पारेख को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन धर्मेंद्र और राजेश खन्ना जैसे स्टार के साथ हिट फिल्में देने वाली आशा आखिर क्यों ताउम्र कुमारी रही, चलिए आपको बताते हैं। 60 से 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में आशा पारेख का दबदबा रहा था। उनका फिल्मी करियर जितना सफल रहा उतना ही दुखद उनका असली जीवन रहा था। आशा पारेख ने जिस शख्स से प्यार किया वह पहले से शादीशुदा थे, लेकिन किसी का घर तोड़ने की उनकी कभी कोई मंशा नहीं थी। आशा ने अपने एक्टिंग करके करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी। आशा पारेख ने अपने करियर की शुरुआत 10 साल की उम्र में पहली बार फिल्म माँ से की थी। माँ साल 1952 में आई थी। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन स्कूल पूरा करने के लिए एक्टिंग छोड़ दी। बाद में उन्होंने बड़ी होने के बाद बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया था। आज 2 अक्टूबर को आशा पारेख अपना 82वां जन्मदिन मना रही हैं। आशा पारेख अपने दौर की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक हैं। उस दौर की वह हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। साल 1992 में उन्होंने सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, और साल 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दिग्गज अदाकारा आशा पारेख अपने समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से भी एक रही हैं। उस दौर की दिग्गज अदाकारा होने के बाद भी आशा ने ताउम्र कुंवारी रहने का फैसला किया। आखिर क्यों, इस बात का खुलासा आशा ने 2019 में एक वेरवे मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में किया था। आशा ने बताया था कि अकेले रहने का फैसले से वे आज भी सहमत है और अपने फैसले को वो सही भी मानती है। उन्होंने एक वक्त में किसी शादीशुदा शख्स से प्यार हो गया था, लेकिन वो किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी और यही कारण था कि उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही बिताना जरूरी समझा था। साल 1978 में एक फिल्म आई मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुलसी के किरदार में थी आशा पारेख, ऐसी औरत जो हीरो की दूसरी पत्नी होती है। सुपरहिट रही, लोगों का भरपूर प्यार भी मिला। बड़ी तादाद में महिलाओं ने अपनी तुलसी को खत लिखे और हर एक को उसका जवाब भी मिला। ज्यादातर ने पूछा कि क्या आप दूसरी औरत बनना पसंद करेंगी। आशा ने जवाब दिया, मैं किसी की सौतन नहीं बनूंगी। अपनी ऑटोबायोग्राफी आशा पारेख द हिट गर्ल में एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से हैं। इनमें जीवन की खट्टी मीठी यादें भी हैं। सालों पहले किताब के लॉन्चिंग इवेंट में आशा पारेख ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि शादियां ऊपर से तय होती हैं और शायद इस मामले में भगवान मेरी जोड़ी बनाना ही भूल गए। मेरी शादी का संयोग ही नहीं था, इसलिए मेरी शादी नहीं हुई और मैं किसी का घर तोड़ने वाली नहीं बनना चाहती थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।